होली का पर्व जब हमारे हिंदू भाई पूरे प्रदेश और देश में मना रहे हों, तो हमें ऐसे मौके पर जो लोग रंग से फरेज करते हैं वो अपने घरों से ना निकलें, और जहां हमारे भाई रंग खेल रहे हैं वहां हमें नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं भी मजबूरी ऐसी हो कि हमें जाना पड़े और हमारे शरीर पर या हमारे कपड़े पर गलती से कोई रंग डाल देता है, तो मुस्कुरा कर आगे निकल जाना यही हम सबका कर्तव्य है, यही हम सबका फर्ज है। हम उसका विरोध ना करें ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि विरोध करने का कारण कहीं ना कहीं नुकसान का हो जाता है। मैं आप लोगों से पुनः हरियाणा वासी होने के नाते समस्त हरियाणा के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ हज कमेटी हरियाणा की ओर से, कि कोई भी होली के पर्व में, उनके त्यौहार में, उनकी खुशियों में जो हमारी हिंदू माई बना रहे हैं, उनके बीच में आकर अपने आप को बदरंग त्यौहार को ना करें। बेहतर यही है कि हम अपने घरों में रहें, अपने इलाके में रहें, ख़ास तौर से अपने बच्चों को रोकें। बहुत से बच्चे उड़दंग मचाते हैं, मोटरसाइकिलें ले लेते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि होली कैसे खेली जा रही है, कौन खेल रहा है, किस तरीके से वो रंग लगा रहे हैं, तो वो तेज़ी से मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं। उस बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी की पिचकारी से, किसी के गुब्बारे से, या किसी के रंग फेंकने से किसी के ऊपर आकर अगर ऐसे में डल जाता है तो वो अच्छा नहीं है। ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में एक अच्छा संदेश हमें देना चाहिए कि हम अपने घरों से अपने बच्चों को ना निकलने दे जब तक रंग खिल रहा है, जब तक के हमारे हिंदू भाई रंग खेल रहे हैं। यही एक हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हम अपने घरों में रहें। और एक बात, होली का पर्व हमारा अपना पूरे देश का पर्व है, ऐसे पर्व में हमें अपने हिंदू भाइयों से और मुसलमान भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि वे उन चीज़ों से बचें जिससे रंग लगाने से नुकसान होता हो। आजकल बहुत से ऐसे रंग आ रहे हैं जिनको लगाने से नुकसान हो जाता है शरीर पर भी। गुलाल है, गुलाल लगाएं, फूल हैं, फूलों से होली खेलें, ऐसी चीज़, ऐसे रंग ना मिलाएं। हिंदू भाइयों से और उनके नवयुवकों से मेरा अनुरोध है कि वो ऐसा कोई रंग इस्तेमाल ना करें जिससे कि किसी के शरीर पर, किसी के चेहरे पर कोई बदनुमा धग्गा दाग लग जाए और वो उनके लिए नुकसान का कारण बन जाए। होली का पर्व हमारे अंदर जो पाप हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, उनका दहन करने का समय है। हमें होली का पर्व मनाते हुए उन सब चीज़ों का अपने अंदर से दहन करें, तभी हम अपने आप को, अपने त्यौहार को खुशी से मना सकते हैं। जरा सा मुस्कुरा देना होली मनाने से पहले, हर गम को जला देना होली जलाने से पहले, होली का जलाने से पहले मत सोचना कि किस किसने दिल दुखाया है। अब तक सबको माफ़ कर देना रंग लगाने से पहले, क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, इस दिल को साफ कर लेना होली मनाने से पहले। मेरा पुणे समस्त प्रदेशवासियों को, पुणे मुसलमान भाइयों से अनुरोध कि वे होली के रंग से दूर रहें, होली के पर्व पर घरों से बाहर ना निकलें, और हज कमेटी हरियाणा के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब की ओर से भी और उनकी पूरी कमेटी की ओर से समस्त प्रदेश और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।